ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक बुक्स पर मूवीज और टीवी सीरीज बनती आई हैं और ऑडियंस को अट्रैक्ट करती आई हैं, और बहुत सारी ऐसी इंडियन ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक बुक सीरीज हैं जो इतनी ज्यादा अप्रिशिएटेड हैं और इतनी अच्छी हैं कि उन पर कोई ना कोई वेब सीरीज या मूवी सीरीज बननी ही चाहिए। और नेटफ्लिक्स ने सेक्रेड गेम्स और सिलेक्शन डे जैसी वेब सीरीज शुरू करके जो कि नॉवेल्स पर बेस्ड है, हमें एक उम्मीद दी है कि आगे जाकर शायद हमें इंडियन ग्राफिक नॉवेल्स और कॉमिक बुक सीरीज पर वेब सीरीज देखने को मिल सकती है। सो हेयर इज माई लिस्ट ऑफ 5 ग्राफिक नॉवेल्स डेट शुड बी मेड इनटू वेब और मूवी सीरीज। अघोरी। सो दिस ग्राफिक नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ विक्रम रॉय हु लीव्स द नोन वर्ल्ड बिहाइंड एंड बिकम्स एन अघोरी इन हिज सर्च फॉर द आंसर्स। और जब वो 12 साल बाद वापस आता है तो उसे दुनिया को खत्म करने की एक कॉन्स्पिरेसी का पता लगता है, जिसके बीचों बीच फंसा होता है उसका खुद का बेटा, जिसे बचाने के लिए विक्रम को डार्क पावर से लड़ना पड़ता है और साथ ही साथ दुनिया को भी बचाना होता है। ओडायन। सो दिस नॉवल वॉज रिटन बाय सुहास सुंदरा विच टेक्स प्लेस इन केरला एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ अ क्रिमिनल नोन एज ओडायन, जो अपना खुद का एम्पायर खड़ा करना चाहता है पावर ऑफ वेल्थ के लिए, और जिसके लिए उसे उन लोगों से लड़ना पड़ता है जो पहले से ही पावर में है। इस स्टोरी में ओडायन की ब्रुटैलिटी दिखाने के साथ साथ उसके इमोशनल स्ट्रगल को दिखाया गया है, जो इस स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। साधु। सो दिस सीरीज वॉज क्रिएटेड बाय गौतम चोपड़ा एंड जीवन कैंग एंड वॉज पब्लिश बाय ग्राफिक इंडिया। इस कॉमिक बुक सीरीज की स्टोरी उस टाइम पर सेट करी गई है जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था, और ये स्टोरी है जेम्स जेंसन की, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर है जिसकी फैमिली को एक सीनियर ऑफिसर ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया होता है। एंड ही गेट्स ट्रेन्ड इन सुपरनैचुरल आर्ट्स बाय अ ग्रुप नोन एज डकैत्स हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड व्हाइल गेटिंग ट्रेन्ड ही लर्न्स दैट ही इज द रीइंकार्नेशन ऑफ अ पावरफुल साधु। 2014 में मार्क कैंटन, हु वाज द प्रोड्यूसर ऑफ 300 ग्राफिक इंडिया के साथ इस कॉमिक बुक सीरीज पर मूवी बनाने के लिए पार्टनरशिप में आए, तो शायद हमें इस पर कोई ना कोई मूवी जल्द ही देखने को मिले। रामायण 3392 AD। तो जैसे कि नाम से पता लगता है, ये कॉमिक बुक सीरीज बेस्ड है रामायण के ऊपर, एंड द स्टोरी ऑफ दिस सीरीज टेक्स प्लेस 1300 ईयर्स इनटू द फ्यूचर। तो एक न्यूक्लियर वॉर के बाद सिर्फ 2 कंट्रीज को छोड़कर बाकी सब कंट्रीज खत्म हो जाती हैं, एंड द ह्यूमन प्रिंस राम अलोंग साइड हिज ब्रदर्स फाइट्स ऑफ द असुर्स हु आर ट्राइंग टू टेक ओवर द रियल्म। दली काम। सो दिस ग्राफिक नॉवल वॉज रिटन बाय विश्वज्योति घोष विच री इमेजिन्स दिल्ली इन द 1970s। इस ग्राफिक नॉवल में दिखाया गया है कि सिटीजन्स की सारी राइट्स सस्पेंड कर दी गई हैं, और गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली लोगों पर नजर रखती है, और गवर्नमेंट ही बताती है कि कौन कहाँ और कैसे हंस सकता है, कहाँ रह सकता है और क्या बोल सकता है। किसी को भी कहीं से उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, जिसमें वो पॉलिटिशियंस भी होते हैं जो रूलिंग पार्टी से नहीं होते। सो दिस इज वन अमेजिंग ग्राफिक नॉवल टेलिंग अ वेरी स्केरी स्टोरी। सो विच ग्राफिक नॉवल और कॉमिक बुक सीरीज डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग? शेयर इन द कॉमेंट्स बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस।